हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फ़ा चेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है मेटिंग पैटर्न से, और इसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनेस्टेसियास मेट। दोस्तों, ये चेक मेटिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है। इसमें हम जो अटैकिंग साइड है वो क्वीन, रुक और नाइट का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त चेक मेट डिलीवर करते हैं। और साथ ही जैसा कि इस पोजीशन में आपको दिख रहा है, यहाँ पर नाइट जो है चेक देके पहले e2 पर, जैसे इस पोजीशन में नाइट e2 पर चेक देके किंग को एच फाइल में धकेलेगा, पुश करेगा, और फिर क्वीन को हम सेक्रीफाइस करा के उसकी जो किंग वाली फाइल है उसको ओपन कर देंगे, और उसके बाद रुक जो है वहाँ से चेक देके चेकमेट कर देगा उसकी अपोनेंट की। तो साथियों, इस पैटर्न को आप समझिए, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। और ये पैटर्न आपको आपके प्रैक्टिकल गेम में भी मिलेगा, तो इसको आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो साथियों, इस पोजीशन में अगर हम ब्लैक टू मूव है यहाँ पे, और नाइट e2 से चेक देते हैं, तो किंग को h1 पे जाना ही पड़ेगा, फोर्स मूव है। और यहाँ पे एक बेहतरीन मूव आता है ब्लैक की साइड से, जो कि एनेस्टेसिया मेट को दिखाता है। और यहाँ पे हम क्वीन सेक्रीफाइस कराते हैं h2 पे रख के। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि अपोनेंट के पास कोई मूव नहीं है, वो सिंपल नाइट क्वीन को कैप्चर करेगा, और यहाँ पे सिंपल हम रुक से चेकमेट डिलीवर कर देते हैं, जो कि ये जो चेकमेट है नाइट और रुक और क्वीन के हेल्प से एनेस्टेसिया मेट डिलीवर होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी एक दो एग्जांपल और देखते हैं साथियों। तो फ्रेंड्स, इस पोजीशन में वाइट टू मूव है, और आपको एनेस्टेसिया मेट करनी है, तो वीडियो पॉज करके आप इसे सॉल्व करिए। तो दोस्तों, मैं अभी आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। एनेस्टेसिया मेट में जैसा कि था कि पहले हमें नाइट से चेक देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट e7 पर चेक आ रहा है, और जैसे ही किंग जो है इधर आएगा h8 पे, तो हम तुरंत क्वीन को सेक्रीफाइस कराएंगे, और इसके बाद रुक से चेक देके यहाँ पर जो है ब्लैक की चेकमेट हो जाएगी। तो साथियों, कितनी खूबसूरत मेट है एनेस्टेसिया मेट, इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं। तो साथियों, इस पोजीशन में ब्लैक टू मूव है, और आपको एनेस्टेसिया मेट ढूंढनी है। वीडियो पॉज करके आप इस मेट को ढूंढिए। तो साथियों, ये पज़ल थोड़ी सी टफ है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर बेस्ट मूव क्या है। अगर हम यहाँ पर बेस्ट मूव है नाइट g3। साथियों, इसको देखने में भी आपको लग रहा है जैसे कि अगर हमारी जो क्वीन है वो फ्री में मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन टेक नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट e2 पर चेकमेट लगी हुई है, तो वाइट की चेकमेट हो जाएगी। इसलिए जो है फिलहाल यहाँ पे वाइट को चलना पड़ेगा क्वीन d4, यही एक यहाँ पे बेस्ट मूव लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हमारा एनेस्टेसिया मेट का पैटर्न आपको पता ही है। नाइट e2 से चेक देते हैं, और किंग इधर जाएगा, फिर क्वीन हमें सेक्रीफाइस करानी है, फाइल ओपन करनी है। तो किंग अगर इसको कैप्चर करता है, तो हम रुक h8 चेक दे देंगे, और फिर तो सिंपल चेकमेट हो ही रही है। बाकी अगर हम बचाना चाहें तो बिशप आ जाएगा, तो फिर अगर क्वीन भी आ जाएगी तो चेकमेट हो ही रही है। तो दोस्तों, ये एग्जांपल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इस तरह आपको एनेस्टेसिया मेट ढूंढनी है। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं अभी। दोस्तों, इस पोजीशन में ब्लैक टू मूव है, और आपको एनेस्टेसिया मेट फाइंड करनी है। तो साथियों, जैसा कि हमारा जो पैटर्न है, पहले कि नाइट से चेक देना है, तो उस पर जाते हैं। तो अभी नाइट e2 चेक देते हैं, और यहाँ पर क्वीन इसको कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर क्वीन को हम रुक से कैप्चर कर लेंगे। तो फिलहाल किंग को यहाँ पर हटना पड़ेगा h1 पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारा मेन मोटो एनेस्टेसिया मेट में होता है कि जो किंग, जिस फाइल में किंग है उसको ओपन करना है। तो फिलहाल हमारा जो मेन मोटो किंग फाइल को ओपन करना है, तो हम सिंपल क्वीन g4 कैप्चर कर लेंगे, और क्योंकि अगर हैंग वाइट जो है इसको कैप्चर करता है, तो सिंपल हम जो है एक और रुक सेक्रीफाइस करते हुए अगर, और फिर एक और फाइल ओपन करते हुए यहाँ पे चेकमेट डिलीवर करते हैं। दोस्तों, इस तरह जो है ये भी एक अच्छा एग्जांपल था एनेस्टेसिया मेट का। तो इस मेट को आप अच्छी तरह समझिए, और अपने प्रैक्टिकल्स गेम में इसको यूज़ कीजिए। और दोस्तों, ये लेक्चर कैसा लगा अल्फ़ा चेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।